नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे देश विदेश के सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूनम। दिल्ली यूनिवर्सिटी में देशभक्ति पर मचे दंगल के बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विश्वविद्यालयों में असहमति और बहस की स्वतंत्रता पर जोर दिया है। विश्वविद्यालय परिसरों में स्वतंत्र चिंतन की वकालत करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि अशांति की संस्कृति का प्रचार करने के बदले छात्रों और शिक्षकों को चर्चा एवं बहस में शामिल होना चाहिए। Intellectual exercises, free thinking, free exchange of views, free expression, which are essential to advance a nation. Can we put any thought of this thinking? Can we put any restriction? And if there be some aberration, is it not the responsibility of this society to correct that aberration? There is no doubt. As Dr. Amartya Sen in one of his book has said, Indians are naturally argumentative. I agree. Indians are argumentative, but not intolerant. If Indians are intolerant, India would not have remained in one country. There would have been balkanizations. Nobody could have prevented it. Therefore, what is needed is tolerance, acceptance of plurality, and respect for the core values of civilization. गुरमेहर कौर मामले में लगातार राजनीति गरमाती हुई नजर आ रही है। इस मामले पर अनिल विज के बयान को लेकर विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान हंगामा हो गया, जिसके बाद अनिल विज ने कहा कि अभी भी वो अपने बयान पर कायम है। विज के गुरमेहर कौर पर दिए गए बयान पर अभय चौटाला ने कहा कि अब विज को आगरा जाने की सख्त जरूरत है ताकि वो ऐसे बयान दोबारा न दे। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का मामला था और ये मान करके चलो, बच्चा जब इस उम्र से गुजरता है तो कहीं ना कहीं भावुक होकर के भी कोई बात कह सकता है। ये कच्ची उम्र मानी जाती है, इसमें बच्चे गलतियां भी कर सकते हैं। गुरमेहर नहीं और बच्चे भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती कर सकते हैं, लेकिन सरकार का जो अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मेरे ख्याल इस सरकार को एक शब्द और जोड़ देना चाहिए कि बेटी समझाओ। अगर कोई बच्चे अपनी तरफ से कोई छोटी मोटी गलती करती है तो फिर उसकी गलती को सुधारने के लिए अगर एबीवीपी के लोग और हरियाणा प्रदेश का मंत्री ये कहे कि उसके साथ बलात्कार हो, अगर ये कहे कि उसका जो साथ खड़े लोग हैं उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए, तो मेरे ख्याल उसके साथ जो खड़े उनको तो पाकिस्तान भेजने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मंत्री जी को आगरा भेजने की ज़रूरत ज़रूर है। उनको आगरा जा कर के आना चाहिए और अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए कुछ दिन रहना चाहिए, आराम फरमाना। वहीं इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अनिल विज पर हमला बोलते हुए कहा कि गुरमेहर के खिलाफ बोलने से पहले अनिल विज को खुद के अंदर झांक कर देखना चाहिए कि वो खुद कैसे हैं। गांधी जी के बारे में बात की, पहले अपने आप को देख लें, अपने अंदर ही झांक के देख लें वो क्या कहते हैं, दूसरे की बात कहने से पहले अपने आप में झांक के देख लें। नोटबंदी के फैसले के बाद बहुजन समाज पार्टी के खाते में भारी भरकम रकम जमा किए जाने के आरोपों वाली याचिका पर चुनाव आयोग ने पार्टी से जवाब तलब कर लिया है। चुनाव आयोग ने बसपा सुप्रीमो मायावती को नोटिस जारी कर 15 मार्च तक जवाब देने को कहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के करोल बाग में इनकम टैक्स विभाग ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर छापेमारी की थी। इस दौरान मायावती और उनके भाई आनंद कुमार पर नोटबंदी के बाद करोड़ों रुपये जमा कराने की जानकारी सामने आई थी।
दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी और ट्रांसपोर्ट मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि डीटीसी और क्लस्टर बसों में वरिष्ठ नागरिकों और छात्रों के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही निःशुल्क यात्रा शुरू करेगी। इसके अलावा महिला यात्रियों के मासिक बस पास पर भी भारी छूट दी जाएगी। परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि महिला यात्रियों को डीटीसी का मासिक पास 250 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में सामान्य बस पास 850 रुपये और एसी बस 1000 रुपये का है। केरल में राजनीतिक हिंसा के बीच कोझिकोड के नदामपुरम इलाके में आरएसएस के दफ्तर के पास हुए बम हमले में बीजेपी के 4 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। धमाके के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी है। महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में बवाल, तोड़फोड़ और फायरिंग के बाद देर रात लखीमपुर खीरी में कर्फ्यू लगा दिया गया। सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक वीडियो जारी होने के बाद शहर का माहौल एकदम बिगड़ गया है। आपको बता दें कि शहर के महाराज नगर निवासी एक युवक ने अपने दोस्त की मदद से दूसरे समुदाय की लड़कियों और देवी देवताओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाला वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसे लेकर शहर में दोनों समुदाय आमने सामने आ गए। रात के कर्फ्यू की घोषणा करते हुए जिलाधिकारी ने जिले के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। एक धर्म विशेष के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बहुत गंभीर बातें उसमें कही गई थी। इसकी शिकायत हम लोग पास करीब 3-3.5 बजे के आसपास कुछ लोगों ने की। हमने तो मुकदमा कायम करके इसे जो भी अभी संबंधित अभियुक्त थे इनको गिरफ्तारी करने के लिए टीम भेजी और हम लोगों ने इनको 6 घंटे के अंदर दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। निश्चित रूप से ये ऐसा मामला है जिसमें लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। इसमें आज कुछ जो भी लोग संगठन के लोग थे या फिर आम पब्लिक को इसमें लोगों ने बाजार बंद कराने का प्रयास किया। कुछ बाजार बंद भी किए गए हैं लेकिन सारा शांतिपूर्ण ढंग के माहौल से इसको हम लोगों ने नियंत्रित कर लिया है। इसमें जो भी मैक्सिमम कार्रवाई की जा सकती है इनके खिलाफ NSA के साथ लेके या सब्सट्रैक्ट एक्ट में हमने कार्रवाई इनमें की है और हम निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई खिलाफ करेंगे। BSF जवान तेज बहादुर यादव का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में तेज बहादुर ने लोगों से गुहार लगाई है कि उनकी मदद की जाए। यादव का नया वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है कि क्या भ्रष्टाचार का खुलासा करने की वजह से उन्हें सजा दी जा रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा दिनांक 10/1 से मोबाइल जमा हो गया था। उसके बाद से मुझे जानकारी मिली है कि शायद मेरे मोबाइल अकाउंट से कुछ छेड़खानी किया गया जिसमें मेरे पाकिस्तान से कुछ दोस्त बनाए गए। इसलिए मैं आप झूठी अफवाहों पर कोई विश्वास ना करें जब तक मेरा खुद का अपना कोई वीडियो आपके सामने ना हो। और मैं आपके माध्यम से पूरे 100 करोड़ वासियों के देश के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि मैंने जो भी ये सबका खाना दिखाया था वह बिल्कुल सत्य था लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई जांच ना हुई और मेरे को ही मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। क्यों इस तरह का किस लिए किया? मैंने सिर्फ यही किया था कि आदरणीय प्रधानमंत्री खुद चाहते थे कि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो। मैंने भी यही उम्मीद करके अपने डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार दिखाया था। क्या भ्रष्टाचार दिखाने का मुझे यही न्याय मिला? आप सभी से अनुरोध है कि पूरा 125 करोड़ का देश आदरणीय प्रधानमंत्री से पूछे कि एक जवान ने खाने का भ्रष्टाचार दिखाया क्या उसका न्याय उसे यही दिया जाता है कि उसे ही टॉर्चर किया जा रहा है बार बार? मेरा VRS रोक दिया गया। इस सब आपसे अनुरोध है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।